डेस्टिन्ड टू फेल। तो आज आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है साइकोलॉजी के इस नए एपिसोड में, और प्रोफेसर कुसुमलता केरिया जी से हम लोग सुनेंगे। आपने डिमांड किया था पिछले एपिसोड में, थोड़े विस्तार में बताइए, तो आज वो विस्तार में हमको बताएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर किधर है। उससे हम लोग बहुत बहुत बात कर चुके हैं, और बड़े एक्चुअली मुझे कभी कभी दुख भी होता है सोचते हुए कि दूसरे के दुख पे हम क्या बात करें, उन लोगों के दुख है। लेकिन कर्म प्रधान होता है, ये समाज कर्म प्रधान है, जिससे जैसे कर्म करे हैं, अब ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही भुगतने वाले हैं। कर्म आपने किए हैं तो 100 पीढ़ियां भी भुगतती हैं, तो बस सोच समझ के कर्म करिए। अगर कर्म मुख्य सिद्धांत होता दुनिया में, आज कोई भी युद्ध नहीं होता, सभी धार्मिक युद्ध होते, क्योंकि कर्म से ही धर्म होता है। तो आज यही सब सीखेंगे प्रोफेसर कुसुमलता केरिया जी से। ये सीरीज को ध्यान से देखिएगा। विदाउट डिले लेट्स वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केरिया जी। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और मैं आराम से इस बात को विस्तार से कहूंगी, कारण मैंने जो कुछ पढ़ा है उसमें टुकड़े टुकड़े में बातें हैं, और वो टुकड़े में बातें इसलिए हैं कि वेस्ट जिसको ये कहते हैं, मतलब यूरोप अमेरिका, इसका आदत है, इसका जब जो एजेंडा होता है उससे रिलेटेड ये प्रोपोगंडा लिटरेचर तैयार करते हैं, किताबों में, भाषणों में, विषयों में, नरेटिव्स में। तो मुझे जो मैं जा रही हूं ये कहीं मिला नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बहुत जगह है। तो इसको हम अब एक में खत्म होगा कि दो में, मैं नहीं कह सकती, लेकिन आराम आराम से बतला रही। जितने शोज हैं लीजिए, इसको आराम से करिए। यस यस, जितने हैं, एक या दो। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि यहाँ पे मीडिया में एक कल्चर है अमेरिका में अट्रोसिटी लिटरेचर बनाने का। अच्छा। ये पूरी दुनिया की दुखती जो न्यूज है कलेक्ट करते रहते हैं, और उसके बेसिस पे एजेंडा बनाते हैं हर रीजन के लिए। ये बिल्कुल सही आपने बताया है वो। जी। ये दुनिया का दुख नहीं इकट्ठा करते हैं, जब दुख कहां क्या क्या देना है, वो दुख एक्सेप्टेबल है, उसका नैरेटिव रचते हैं। नहीं, आज का विषय। तो एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ये जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, जिसको इस्लामिक स्टेट्स कहते हैं, ये इस्लाम के टूल है कि वेस्ट के टूल है, यूरोप अमेरिका के टूल है। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, इस्लाम स्वयं 20वीं 21वीं शताब्दी में वेस्ट का टूल है। तो मैं दो तीन चीज बता रही। अब ये जो विषय है आज का कि इनको असफल होना है, डेस्टिन्ड है, ये मैं किस आधार पर कह रही हूं, मैं 4-5 आधार उठाऊंगी। जो आपने नक्शा लगाया है वो सुनने वाले कोई और इस पर नक्शा बड़ा फैला के देखे, जिसको कहते हैं भौगोलिक नक्शा, यानी इस क्षेत्र की टोपोग्राफी, इस क्षेत्र की भूसंरचना और इस क्षेत्र की जलवायु। तो आपको दिखाई देगा मनुष्य के रहने योग्य क्षेत्र, जिसको अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और इसके बाद ये सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये पूरा अरेबिया, फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, फिलहाल हम मिडिल ईस्ट ले रहे हैं, ये मनुष्य के रहने योग्य हिस्सा नहीं रहा है। जिस 1400 साल की हम बात कर रहे हैं, इस 1400 साल में ये मनुष्य के रहने लायक हिस्सा नहीं रहा है। अतः यहाँ जो जनसंख्या है और आबादी है वो विरल है, कम है। क्यों नहीं रहा? पहले यहाँ का टोपोग्राफी, भूसंरचना, रेगिस्तान है, पठार है, पहाड़ हैं,
ठंडे रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, थोड़े बहुत चरागाह है, थोड़े बहुत कृषि योग्य भूमि है। अगर आप इसका इस तरह का टोपोग्राफी अगर गूगल मैप ढूंढ सके तो ढूंढ के दिखाइएगा। और जिसको ये सऊदी अरेबिया बताते हैं, इसका जो कोस्टल एरिया है उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत मनुष्य के रहने का जुगाड़ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यूरोपीय यूरो अमेरिकन या वेस्टर्न इंटरफेरेंस के पहले ये क्षेत्र वैसा ही था जैसा सदा से था। और वेस्टर्न इंटरफेरेंस इस क्षेत्र में क्या हुआ, मैंने अपने बहुत भाषणों में बताया है, दो विषय, एक तेल और एक इंग्लैंड का जो मेन रोल था, और अब वही रोल बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। पहले इंग्लैंड का भारत से जलमार्ग, और अब वो जो होने वाला है जिसको G20 में कहा गया भारत मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यूरो अमेरिकन हस्तक्षेप जो इस क्षेत्र में हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ, जो भौगोलिक तरीके से एकदम इनहॉस्पिटेबल है, मनुष्य के लिए बहुत दुरू है। इसीलिए लेकिन नरेटिव क्या गढ़ा, किसने नरेटिव गढ़ा, फिर वेस्ट ने नरेटिव गढ़ा। कब गढ़ा वेस्ट ने नरेटिव? 20वीं शताब्दी में गढ़ा, 21वीं शताब्दी में फिर उसको उलट पलट कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी में क्या नरेटिव गढ़ा, जरा सा वो दिखाइएगा आप, फारस की खाड़ी थोड़ा नीचे कीजिए, ये जिसको फारस की खाड़ी बताते हैं ये नीला वाला, इसके ऊपर दो नदियां हैं, एक दजला एक फरात, ये इसको टिग्रिस और यूफ्रेट्स कहते हैं। इसके बीच के क्षेत्र में ये कहते हैं जी मनुष्य की सभ्यता आई। ये क्या है, आई नहीं, ये कथा रची 20वीं शताब्दी में यूरोप अमेरिका ने, यूरोप ने खास करके। क्यों कथा रची? इनके अनुसार, इनके ईसा मसीह, इनके बाइबिल, इनके चर्च, इनके क्रिश्चियनिटी का ये गार्डन ऑफ एडन है। तो जो गार्डन ऑफ एडन है उसकी महिमा इन लोगों ने लिखी। इस बात को हम धीरे धीरे बताएंगे अगले भाषण में विस्तार से। लेकिन जो लोग भी इस क्षेत्र के विषय में पढ़ लें, ये क्षेत्र आज के दिन भी इतना भयंकर है। ये जो दजला फरात के बीच वाला जगह क्यों भयंकर है, ऊपर से नदियां निकलती है और जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं उसमें आकर गिरती हैं। जो निकलती है वो बर्फीले ठाव से बर्फ की पिघली हुई नदियां निकलती हैं, ये करीब करीब सरफेस पर बहती है। तो यहाँ का जो रेगिस्तान है वो इतना बीहर रेगिस्तान है, इसका बहुत सुंदर वर्णन मैंने आप लोगों को पढ़ के एक बार सुनाया था, गॉड मेड हेल एंड वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड देन गॉड मेड इराक। तो जो इराक और बगदाद का जो इतना महिमा ये गाते हैं, ये बगदाद यहीं पर तो है। इस बगदाद का टेम्परेचर इतना ज्यादा है और सॉइल की, सॉइल मतलब मिट्टी की, भूमि की फर्टिलिटी तो है, उत्पादकता नहीं है। उत्पादकता नहीं होने का क्या कारण है? कई कारण है। पहला भाई मिट्टी नहीं है, रेगिस्तानी पूरा क्षेत्र है, बरसात नहीं है। तो जहां पर खेती नहीं है स्वाभाविक है जनसंख्या कम होगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में या छोटी मात्रा में जनसंख्या के रहने के लिए आवश्यक दो चीजें या तीन चीजें मिनिमम है। पहला पीने को पानी, दूसरा भोजन के लिए अन्न, और तीसरा वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा हो कि मनुष्य 12 महीना सुख से रह सके। तो ये जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, जहां भयंकर क्लेश मचा हुआ है, जिसको वेस्टर्न नरेटिव में
सबसे डेंजरस जगह कहा जाता है, जहां इनको तेल मिला और जहां इन्होंने नन्हे नन्हे कुकुरमुत्ते की तरह आर्टिफिशियल, ध्यान दीजिए, अब मैं इसी से रिलेटेड दूसरे पर जाऊंगी, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल स्टेट रचे, क्या कहके ये नेशन है और इन नेशन के लिए एक स्टेट चाहिए। वस्तुतः न नेशन है न स्टेट इन्होंने बनाया, इन्होंने केवल बंदर बात किया, इन्होंने कि इंग्लैंड और फ्रांस ने तेल के कुओं से अपने लिए सप्लाई लेने के, तो यानी इस पूरे 1400 साल में जिसको इस्लामिक हिस्ट्री कहते हैं, यहां पर जो इस्लामिक साम्राज्य का कथा गढ़ा गया, कहीं ये नहीं लिखा कि 1400 साल में जनसंख्या कितनी थी भाई, ये दूरिया कैसी थी भाई, क्या घोड़े पर बैठ के घोड़ा दौड़ाते हुए इस क्षेत्र को नापा जा सकता है क्या भाई। एयर वॉर तो था नहीं, पानी की लड़ाई थी नहीं, लड़ाई सब जमीन पर थी, कब्जा सब जमीन पर था, तो क्या यहाँ का जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, लड़ाई में आर्मी जब मार्च करती है तो उसकी जो लॉजिस्टिक होती है, यानी सप्लाई चेन, तो क्या ये टेरेन और ये क्लाइमेट और वहां पर अवेलेबल फूड सप्लाई किसी बड़े मिलिट्री एक्सपेडिशन को सपोर्ट कर सकता था क्या, कर सकता है क्या? आज ही के दिन आप देखिए इजराइल लड़ाई कर रहा है किससे, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा कौन, हिजबुल्ला, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा हमास, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा उती, और ईरान को भी मैं कहने जा रही हूं पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। कारण, अरे भाई अमेरिका भी तो है, रूस भी तो है, चीन भी तो है, भारत भी तो है, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी भी तो है, ऑस्ट्रेलिया भी तो है, जापान भी तो है, इनके सामने ये पिद्दी है कि पिद्दी के शोर की शोरबे हैं, लेकिन इन टिटबिट लड़ाई में भी आज के दिन लगातार हम लोग सुन रहे हैं अमेरिका ने लाकर अपने वो कैरियर्स जो युद्ध पोत है उनको लाके मेडिटेरियन सी में खड़ा कर दिया है, तो फारस की खाड़ी के पास खड़ा कर दिया है, तो लाल सागर के नीचे खड़ा कर दिया है, तो इंडियन ओशन में भारत के जहाज लगे हुए हैं, किसको, इसराइल को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के। कितना बड़ा क्षेत्र है इसराइल और कितने उससे सटे हुए लेबनान और हूती, यमन वाला हूती है, और स्वयं इसराइल और ईरान की दूरी कितनी जरा सी है, लेकिन फौजें नहीं जा रही हैं, लड़ाई क्या हो रहा, वो उसको मिसाइल मार रहा है, बटन दबा के वो उसको मिसाइल मार रहा है, लेकिन इस पूरे 1400 साल में तो मिसाइल नहीं चल रहा था। आज के टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के बावजूद, आज के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बावजूद, आज के ट्रेन से सप्लाई, एयर से सप्लाई, पानी के जहाजों से सप्लाई के बावजूद, इस पूरे क्षेत्र में आर्मी ने मार्च कर रही है, और वेस्ट ने क्या नैरेटिव गढ़ा, वेस्ट ने नैरेटिव गढ़ा कि इन 1400 सालों में कोई इस्लामिक फौजें इस क्षेत्र में मार्च कर रही थी और बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर रही थी। बड़ा माने कितना बड़ा, कितनी सेना, कितनी जनसंख्या, इकोनॉमी कितने मिलियन बिलियन डॉलर की, उनमें रोड का कनेक्टिविटी क्या, ट्रेन वेन तो थी नहीं, रोड था भी क्या, रोड पर कोई गाड़ियां चल भी रही, रोड ही नहीं था तो गाड़ी भी नहीं था, तो कुल मूवमेंट किस पर था, जानवरों पर था, तो क्या एक ही जानवर, जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी है, राजस्थान में ऊंट गाड़ी थी पहले,
तो बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी पूरे भारत में घूम सकती है, छोटा वाला भारत नहीं, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, इन सब में घूम सकती थी। लेकिन इस क्षेत्र में क्या, ऊंट एक प्रकार का ऊंट सब जगह जा सकता है, कुछ जगह ऊंट जाएगा, कुछ जगह भेड़ बकरी जाएगी, कुछ जगह खच्चर जाएगा, कुछ जगह घोड़ा जाएगा, और क्या उस पर जाने के लिए उतने सैनिक थे क्या, ये कहीं वर्णन नहीं है। वेस्ट एक जैसे बम्बैया फिल्म बनती है वैसा एक नरेटिव गढ़ता है, इसी तरह वेस्ट ने एक नरेटिव गढ़ा ईरान का, पर्शिया का, एक महान साम्राज्य है। अरे महान साम्राज्य में आदमी कितने हैं, टैक्सेबल इनकम कितनी है, गवर्नमेंट की साइज कितनी है, कहीं नहीं दिया होगा, कुल कितने नगर हैं, उसमें एग्रीकल्चर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ट्रेड क्या है, बैंकिंग कितनी, कुछ कथा। महान साम्राज्य, ग्रेट एम्परर, ग्रेट एम्पायर, ग्रेट आर्मी, ग्रेट विक्ट्री, इस तरह ये सारा नरेटिव है। तो वाई सो कॉल्ड इस्लामिक नेशंस इन 21st सेंचुरी विच वर क्रिएटेड इन 20th सेंचुरी बाई वेस्ट आर डेस्टिन्ड टू फेल, क्योंकि यहां नेशन स्टेट तो कभी थी नहीं, ये तो 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस ने खड़े किए, और बाद में भी छुटल छुटल बाद में भी होते चले गए, 60s तक 70s तक नन्हे नन्हे होते चले गए, कतर कुवैत वगैरह देश क्यों नहीं थे, क्योंकि देश बनाने के लिए जैसी जनसंख्या और जो आकार चाहिए वो यहाँ था ही नहीं। तो यहाँ था क्या, यहाँ थे ट्राइब्स जिसको कहते हैं, जिसको ये लोग बद्दू कहते हैं, जिसको ये लोग कबीले कहते थे, कहीं 100, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000, 50,000 और 1,00,000, तो ये पर्शिया के 2-4 नगर छोड़ दीजिए तो पर्शिया से लेके ये पूरी सऊदी अरेबिया तक 2-4 लाख की आबादी वाला तो कोई था ही नहीं भाई। 2-4 लाख की आबादी के तो हम लोग कस्बे कहते हैं, टाउन नहीं है, सिटी नहीं है, तो एम्पायर वम्पायर और देश वेश कहां से आएगा। तो पहली बात कि इस पूरे जो क्षेत्र है, इसके जो वर्तमान नेशन स्टेट है, ये आर्टिफिशियल एंटिटीज है, इनका कोई पास्ट नहीं है। कोई पास्ट नहीं होने का मतलब इनके पास स्टेट क्राफ्ट नहीं। जो लड़ाइयां हुई हैं पिछले 1400 साल में, हमारे पड़ोना की तरफ ईस्टर्न यूपी में कहते हैं लखेरा, कोई बदमाश, कोई गुंडा, कोई लफंगा, थोड़ा बड़ा हो गया, उसने अपने झुंड इकट्ठे किए, कहा चलो हम मार काट करेंगे, मार काट करके हम लूट पाट के लाएंगे, लूट पाट हम बांटेंगे, माले गनीमा हम स्त्रियों को उठा के लाएंगे, हम बांटेंगे, या हम लोग खुद जाके वहां जम जाएंगे। लेकिन इसको वॉर नहीं कहते हैं, बैटल नहीं कहते हैं, ये लूटपाट, डकैती और छिनैती। फिर कुछ कुछ समय बड़े आकार के हुए, काफी बड़े बड़े आकार के हुए, लेकिन उनका साम्राज्य और एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साम्राज्य का अर्थ क्या है, साम्राज्य में जो जनता है, जो प्रजा है, उसका पालन पोषण। यहां जो बड़े बड़े हैं वो लगातार मार काट शोषण कर रहे हैं, केवल 50% स्त्रियों का नहीं, बच्चों का, बूढ़ों का भी, हम लोग और डिटेल पर आएंगे। तो जो पहली बात मैं बताने का प्रयास कर रही हूं, इस पूरे 1400 साल से लेकर आज तक इनकी टोपोग्राफी और क्लाइमेट इनको
नेशन स्टेट के रूप में सपोर्ट नहीं करती है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बनाने के पहले यहाँ कोई नेशन स्टेट था ही नहीं, ना कोई लेबनान था, ना कोई जॉर्डन था, ना कोई यमन था, ना कोई ओमान था, ना कोई कतर था, ना कोई कुवैत था, और भी ना कोई सऊदी अरेबिया था। ये सब आर्टिफिशियल क्रिएशन है। आर्टिफिशियल क्रिएशन भी कितने साल के? 50, 60, 70, 80 साल के। और ये इस्लाम के टूल नहीं है, ये वेस्ट के टूल है। इस्लाम ने इनको नहीं खड़ा किया। ओटोमन एम्पायर था ना, जो सेंट्रल एशिया से गए हुए तुर्क लोग जहां जाके बसे, आजकल उसको तुर्किये कहते हैं, का कोटा बोलने के कारण टर्की हुआ, उस्मान के आधार पर उसको ओटोमन एम्पायर कहा गया। इसको तो टुकड़े टुकड़े में तोड़ डाला। किसने? वेस्ट ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने। तो ये जितने इस्लामिक नेशन स्टेट है ये वेस्ट का टूल है, ये इस्लाम का टूल नहीं है। इसलिए ये लगातार एक दूसरे से मार काट कर रहे। कब से? जब से इनका फॉर्मेशन हुआ है। मैं इस वक्त डाटा नहीं दे रही हूं आपको, बहुत सी किताबों में है। एक तो मैं हंटिंगटन वाला ही कोट करती हूँ, 90 तक के आंकड़े उसी में दिए हुए, 90 के बाद के आंकड़े और बहुत सी किताब में, मुझे नहीं याद है। अभी किताब लेके मैं नहीं बैठी हूँ, अगले वाले भाषण में कहिएगा, अगर कमेंट में आता है तो मैं डाटा भी दे दूंगी। एक दो लड़ाई मैं बता दूं केवल, ईरान और इराक की लड़ाई। भाई तुम इस्लामिक स्टेट हो यार, तुम 10 साल तक क्यों लड़ते हो? और लड़ाई भी किस बर्बर ढंग से। ईरान वाले 14 साल 16 साल के बच्चों को मरने भेजते हैं, और इराक का सद्दाम हुसैन कहता है कीड़े मकोड़े चले आ रहे हैं, मस्टर्ड गैस छोड़ छोड़ के मारता है। और ये जब मस्टर्ड गैस और तरह तरह की रासायनिक लाई होती है, नाक से खून, कान से खून, मुंह से खून, मतलब बहुत ही पैशाचिक और बर्बर ढंग से इनको मारा गया। और फिर वो इराक कूद जाता है, किस पर? कुवैत पर। इराक ईरान की लड़ाई कब हुई? जब वहां आयातुल्ला खोमैनी, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन होस्टेजे जाए, तो उन सबों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका का टूल बनता है सद्दाम हुसैन। फिर जब सद्दाम हुसैन थोड़ा पावरफुल होता है, कुवैत पर कूदता है, तो अमेरिका सद्दाम हुसैन की कुटाई करता है। तब सद्दाम हुसैन की मदद करने ईरान तो नहीं आता है, सद्दाम हुसैन की मदद करने सऊदी अरब भी नहीं आता है, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र कोई नहीं आता है, यमन और ओमान भी नहीं आते, यूनाइटेड अरब एमिरेट भी नहीं आते हैं। क्यों? ये लड़ाई किसकी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। क्यों है? कि भाई तेल के सप्लाई पर कंट्रोल सद्दाम हुसैन नहीं करेगा, वेस्ट करेगा। तो ये इस्लामिक नेशन स्टेट्स वेस्ट का टूल है, इस्लाम का टूल नहीं है। इस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा क्या है? साहब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। अगर ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म होता तो 1979 के पहले क्यों नहीं था भाई? 1979 से 89 सोवियत रूस का अफगानिस्तान आना, वियतनाम की लड़ाई के बाद अमेरिका का अपने सैनिकों को नहीं उतारना, इस क्षेत्र के लोगों को खड़ा करना, उनको जिहाद याद दिलाना कि काफिर कम्युनिज्म आ गया है, काफिर वो क्या, इनका ऑर्थोडॉक्स चर्च आ गया है, तुम जिहाद बोल दो। पूरा का पूरा जिसको इस्लामिक टेररिज्म कह रहे हैं, जिहाद कह रहे हैं, ये भी तो वेस्ट का टूल है ना भाई, अमेरिका का टूल है ना।
केवल फंडिंग थोड़ी किया है अमेरिका ने, ट्रेनिंग भी किया है, और ट्रेनिंग केवल मिलिट्री ट्रेनिंग थोड़ी किया है। यहाँ अमेरिका चैंपियन बनता है ह्यूमन राइट का, और यहाँ जो डिक्टेटर स्टेट, डिक्टेटर हेड्स ऑफ स्टेट अमेरिका सपोर्ट करता है, वो अमेरिका के सपोर्ट के बिना 10 मिनट रुक पाएंगे क्या? आदित्य जी, एक्चुअली मैं आपके इस पे एक छोटा सा कमेंट करूंगा कि जब आप किसी मिडिल ईस्टर्न को सुनते हैं अमेरिका में आप, क्योंकि बहुत सारे लोग सत्यालोजी इवेंट्स में आते हैं, तो पहला उनका आर्गुमेंट यही रहता है कि ये सारी साजिश है हमारे अगेंस्ट। पहला आर्गुमेंट यही रहता है सबका, ये सब पश्चिमी देशों की साजिश है। और जो आप बता रहे हैं कि उससे तो लगता ही है कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अमेरिका आने के बाद भी वो अपनी पुरानी मानसिकता नहीं छोड़ते हैं, बहुत साल लगते हैं उनको छोड़ने के लिए। भाई वो मानसिकता उनकी पुरानी है क्या, जिसको आज इस्लामिक कट्टरपंथी कहते हैं, ये इस क्षेत्र में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था क्या? ये सारे के सारे तो उस्मानियों के गुलाम थे ना। अरब वालों ने क्या कहा कि खलीफा से मुक्ति हुई ना, जब सऊदी अरेबिया बनाया है, तो इन्होंने क्या कहा, इनको तो रोना चाहिए था ना कि हमारे खलीफा का एम्पायर टूट रहा है, ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं सब के सब, नेशन स्टेट के रूप में, जॉर्डन के रूप में, लेबनान के रूप में, सीरिया के रूप में, सऊदी अरेबिया के रूप में, क्रूशियल स्टेट्स के रूप में। भाई अमेरिका को जो करना है वो करेगा, भाई इंग्लैंड फ्रांस को जो करना है सो करेगा, आप उसके एक्टिव पार्टनर हो, आप केक भी खाओगे और गाली भी दोगे, ये आपकी गधापंती है, आपकी मतलब मिडिल ईस्ट वालों की। बिल्कुल, तुम लोग इस्लाम के टेररिज्म को लेके चल रहे हो, अमेरिका कह रहा है, लेकिन लेना नहीं लेना तो तुम्हारे हाथ में है ना भाई। अमेरिका भारत और चीन को लड़ाना चाहता है, कितनी बार आपके चैनल पर आप ही ने कहा, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो हम तय करेंगे ना भाई। बिल्कुल, और अगर हमारी औकात इतनी ही है तो हम तो पपेट हुए ना भाई। नहीं, इनके सारे लीडर्स करप्ट हैं, कोई कोई है, सबके सब बाहर से इंस्टॉल्ड है। अभी शाह भी अमेरिका भेज रहा है अमेरिका से बैक टू ईरान। अभी मैं एकदम दूसरी बात कह रही हूँ, इनके इनके कहाँ वो रूलर हैं? इनके रूलर होते तो इनको भारतीय राजा की तरह पोषण करते, संवर्धन करते। पीएलओ के यासिर अराफात ने जितने फिलिस्तीनियों को निर्ममता से मारा है, मैंने आपके चैनल पर सुनाया है। बिल्कुल, सद्दाम हुसैन ने इराकियों को जैसा मारा है, ईरान वालों ने ईरानियों को जैसा मारा है, सऊदी अरब वालों ने, माने मियां ने मियां को ही तो मारा है। ठीक है, तो जो बात समझने की है, वाई दे आर डेस्टिन्ड टू फेल, दे आर डेस्टिन्ड टू फेल बिकॉज एट द मोमेंट देयर आइडेंटिटी इज नेशन स्टेट, एंड दिस इज अ फॉल्स आइडेंटिटी इम्पोज्ड ऑन देम टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ यूरो अमेरिका, जिसको वो वेस्ट कहते हैं। तो इस आइडेंटिटी में रहना और नहीं रहना तो तुम्हारी चॉइस है ना भाई। तुम तो ये आर्टिफिशियल आइडेंटिटी जो तुम पर थोपी गई है, तुम इससे बाहर आ जाओ। आपने एक भी आंदोलन देखा क्या इस क्षेत्र में इस नेशनल आइडेंटिटी से बाहर आने का? आपने एक भी एफर्ट इस एरिया में देखा क्या इस्लाम को लाने का? नहीं। ये क्या, अब देखिए
एक और नैरेटिव की आइडेंटिटी है, ये कट्टर जिहादी इस्लामी है। मैंने आपके चैनल पर कई बार बताया है, तब तुम हदूद गुनाह कैसे करते हो, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह कैसे करते हो, क्या क्या है? अरे भाई तुम टीवी पर क्यों आते हो, अमेरिका ने डंडा मारा था, और डंडा मारा था तो तुम पलट के डंडा मार देते, तुम अपने यहां टीवी न रखो, तुम अपने यहां हवाई जहाज मत रखो, तुम अपने यहां रेडियो मत रखो, तुम अपने यहां कार टैक्सी जो भी कुछ वेस्टर्न इन्वेंशन है वो मत रखो, तुम सुनना भी रहो ना भाई, सुनना मतलब तुम वो सब करो जो कि पैगंबर मोहम्मद करते थे। कट्टर मुसलमान तो तुम तब होगे जब तुम सुन्ना पर चलोगे, यानी जो कुछ पैगंबर रसूल किए थे वही तुम भी करो, लेकिन तुमको पैगंबर रसूल के रहन सहन से तो कोई मतलब नहीं है, तुम तो होटल बना रहे हो बड़े बड़े, तुम हर वो काम कर रहे हो जो 100 साल पहले तक तुम्हारे यहां नहीं था। पैगंबर के समय काबा जैसा था, क्या काबा वैसा है? तो जो दूसरी बात पर मैं आ रही हूं, अभी मैंने दो बातें कही, एक कि यहां का जो टोपोग्राफी और क्लाइमेट है उसमें बड़ी जनसंख्या कभी रह नहीं सकती थी, नेशन स्टेट कभी हो नहीं सकता था, जिस प्रकार के एम्पायर बिल्डिंग का और इस्लाम की विक्ट्री का नरेटिव वेस्ट ने 20वीं शताब्दी में गढ़ा है, वो पोलन पोल है, उसमें डाटा नहीं है, केवल अलिफ लैला की कहानी है। तीसरी बात जो मैंने कहा, ये सारा जो सेल्फ आइडेंटिटी है ये इस्लाम के टूल की तरह है, सॉरी वेस्ट के टूल की तरह है, ये इस्लाम तो यहां है ही नहीं भाई, इस्लाम होता तो तुम तेल निकालकर काफिरों को क्यों बेचते, और उस तेल से तुमने कुल कितने काम किए हैं, तुमने हर वो चीज छोड़ दी जो कि पैगंबर रसूल की थी। अब जो दूसरी बात पर मैं आ रही हूं, दूसरी बात जो मैं आ रही हूं कि क्यों 21वीं शताब्दी में ये क्षेत्र बुरी तरह असफल रहेगा। ये असफल इसलिए रहेगा कि ये जो नेशन स्टेट की लाइनें खींची गई, यूरोपियन कंसेप्ट है, यूरोप कहता है एक नेशन है, यानी एक समुदाय है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका इतिहास एक सा है, जिनकी भाषा एक सी है, जिनके रीति रिवाज एक से हैं, जिनके पूर्वज एक से हैं, जिनकी कथा एक सी है, फुल लिव इन हार्मनी, तो ऐसे लोगों का एक स्टेट होना चाहिए। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस क्षेत्र में मिडिल ईस्ट में जो नेशन स्टेट बनाए गए, तो यूरोपियन परिभाषा के अनुसार एक एक स्टेट में तीन तीन नेशन, सिया और सुन्नी तो एक दूसरे का गला काटते हैं ना भाई, एक देश बता दीजिए जहां केवल शिया है या केवल सुन्नी। उसके बाद ये तो मजहबी फिरके वाली लाइन, ऐसी कई लाइनें हैं, दूसरी एथनिसिटी वाली लाइन। अब ये जो कुर्द लोग हैं ये एक नेशन है यूरोपियन परिभाषा, इस क्षेत्र की परिभाषा में नहीं, लेकिन ये तीन स्टेट में बस बटे हुए हैं। अब इन कुर्दों की लॉयल्टी कुर्द नेशन के प्रति रहे या जिस स्टेट के वो नागरिक हैं, सिटीजन है, उसके प्रति रहे, और इन दोनों में लगातार झगड़ा बना रहेगा। इस झगड़े के कारण होता क्या है, हानिया कैसे मारा गया भाई, ईरान के लोगों ने, ईरान क्या हुआ, स्टेट हुआ, इस ईरान स्टेट में बहुत से नेशन है,
ये बहुत से जो नेशन है ये इंटेलिजेंस पास कर रहे हैं। दूसरा, जो सो कॉल्ड शिया लोग हैं उनमें फिर फर्दर डिवीजन है। जो डिवीजन है, यूरोप वाली कहानी याद कीजिए, ये जो क्षेत्र है इसमें जनसंख्या आइसोलेटेड पॉकेट्स में है। कौन सा क्षेत्र? मिडिल ईस्ट जिसको कह रहे हैं, अफगानिस्तान से लेके सऊदी अरेबिया तक का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जनसंख्या आइसोलेटेड पॉकेट्स में है और पूरे 1400 साल एक दूसरे से लड़ती भिड़ती रही। लड़ने भिड़ने के अनेक अनेक कारण है, मैं उस कारण पर बल दे रही हूं जिसकी चर्चा नहीं। कोई पहाड़ी में रह रहा है, कोई रेगिस्तान में रह रहा है, कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, और सब का स्वभाव, रहन सहन, आदतें, भाषा, बोली अलग अलग है। तो इनमें एका होने की संभावना 0/0 है, मिल है। पहले ही एका नहीं था, और ये 10, 12, 15, 20 जो नेशन स्टेट की लाइन खींच दी गई, तो जो थोड़ा बहुत एका था काहे काहे में, कुर्दों में, बहावियों में, या शियाओं में, या सुन्नियों में, ये अलग अलग स्टेट में बट गए। अलग अलग स्टेट में बटने से इनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी तो अलग अलग हो गए। जैसे, अब डिटेल में नहीं बता रही हूं मैं, डिटेल मुझे उतना याद भी नहीं रहता है। एक शिया है वो मान लीजिए इराक में है, और इराक में वो किसी भी तरह का पावर होल्ड कर रहा है। अब वो इराक के साथ रहे या शिया ईरान के साथ, कुर्द 3 स्टेट में बट गया है। अब वो कुर्द लॉयल्टी के साथ रहे या जिस स्टेट में उसका या उसके ग्रुप का या उसके थोड़े से लोगों का पावर पोजीशन पैसा बन गया है उसको वो बनाए रखे। जैसे नेशन स्टेट बनने के बाद इनकी आर्मी हुई, इनका बहुत सारा चीज हुआ, इनके पॉलिटिकल पार्टीज हुए, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुआ जिसमें बहुत से लोगों को फायदा हुआ। अब वो अपने फायदे को छोड़ दे और अपने ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ जाए, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, ये भी टूल किसका है? वेस्ट का है। क्यों वेस्ट का टूल है? सोवियत रशिया को संभालने के लिए इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन की आवश्यकता अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को थी। तो क्या हुआ? 70 साल भी नहीं टिका। इस्लाम ग्लूइंग नहीं है, इस्लाम चिपकाने वाली चीज नहीं है। तो 71 में बांग्लादेश अलग हुआ। अब सिंधी अलग लड़ रहे हैं, बलूच अलग लड़ रहे हैं, पश्तून अलग लड़ रहे हैं, पंजाबी अलग लड़ रहे हैं, और इनके बीच में 10-20 और है, क्या क्या बरेलवी, देहलवी, अहमदिया, मुझे तो 7-8 आते हैं। 25-50 तरह के डिवीजन है, वो अलग लड़ रहे हैं। तो ये इस्लाम कोई कोहेसिव फोर्स है, कोई ग्लूइंग फोर्स है जो एक दूसरे को जोड़ता है, ये नरेटिव वेस्ट ने रचा है 20वीं शताब्दी में इनसे निपटने के। या बहुत से गधे यूरोप में, अमेरिका में, उन गधों ने रचा है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा तो एजेंडा बेस्ड प्रोपोगंडा है। लेकिन इस्लाम पिछले 1400 साल में इस क्षेत्र में लगातार खूनी लड़ाई लड़ता रहा है, और उस खूनी लड़ाई का इतिहास 1400 साल
तो फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ हिस्ट्री होता है ना, 1400 साल इनको अच्छी तरह याद है किसने किसको मारा, नहीं तो ईरान क्यों कहता, पाकिस्तानी जो ईरान से गुजर रहे हैं क्यों गुजर रहे हैं, किसी को करबला जाना है, किसी को मक्का मदीना जाना है, तो बस से गुजर रहे हैं, रोड से, तो कह रहे हैं अपना टट्टी पेशाब भी अपने बस में रखना, क्यों भाई, मियां तो इधर वाला भी है, मियां उधर वाला भी है, सऊदी अरेबिया आज वाला, भाई सऊदी अरेबिया का क्या मतलब, अरेबिया तो हाशिम कबीले का था ना, मक्का मदीना के पास वाला, कबीले का भी नहीं था, ये भी एक फालतू बात है, मक्का मदीना में जो हाशिम कबीला था, कुरैश हाशिम, वो मक्का का पिलग्रिमेज का वो सब लेते लवाते थे, कमाई का साधन था, लेकिन बहावियों का और सऊदों का तो उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, उनको इसका मालिक बना दिया पूरे क्षेत्र का। अब सऊदी कह रहे हैं कि भाई हम अरब हैं, हम ही मोमिन हैं, ये बाकी दुनिया भर के कन्वर्ट कहां से चले आए, तो वो कहते हैं अरब और ये बहुत ही मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, माने जानवरों का नाम देते हैं पाकिस्तानियों को, ईरानियों को, और अभी जो लड़ाई चल रही है, इजराइल जो ईरान को कूट रहा है, तो क्या इजराइल की सेना से लड़ने के लिए कुवैत की सेना आई क्या, कतर की आई क्या, यमन और ओमान की आई क्या, सऊदी अरेबिया की आई क्या, इराक की, जॉर्डन की, इजराइल की, लेबनान की, किसी की सेना लड़ने आई क्या, इजराइल से लड़ कौन रहा है, ईरान ने अपने यहां उत्पात करने वाले लोगों को मिलिशिया के रूप में एक्सपोर्ट कर दिया, एक का नाम हिजबुल्ला है, एक का नाम हूती है, तो पहले तो इन तीनों को निपटाएगा, उसके बाद ईरान को निपटाएगा इजराइल। तो अब अगले पॉइंट पर जो हम आ रहे हैं, इन सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट्स के पास स्टेट क्राफ्ट नहीं, क्यों नहीं है, स्टेट ही कभी नहीं था भाई, जिसको एम्पायर कहते हैं वो था, लेकिन वो तो एम्पायर नहीं था भाई, कोई हमारे यहाँ के चोलों की तरह, पांडवों की तरह, पांड्य शेरों की तरह, बंगाल के पालों और सेनों की तरह, मौर्य लोग की तरह, गुप्ता लोग की तरह, आभीर, राष्ट्रकूट, पल्लव, आसाम वाले लोगों की तरह, यहाँ कोई एम्पायर्स थोड़ी थे, जो मैंने बताया, कोई लखेरा था, कोई चला, कोई थोड़े दिन रहा, कोई बड़े दिन रहा, और फुस से उड़ गया, और उस पूरे फुस वाले पीरियड में भी प्रजा का रक्षण और वत्सल भाव तो नहीं था, प्रजा बोल के तो थी नहीं, सब गन्ना थे जिसको पेड़ के रस निकाला जाना था, तो जब स्टेट नहीं था तो स्टेट क्राफ्ट भी नहीं था, अन्यथा ईरान को ये पता होना चाहिए था कि चीन और रशिया के भरोसे अमेरिका, इजराइल, यूरोप से तो नहीं लड़ा जा सकता है, वो भी उस समय जब रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, चीन पोस्ट कोविड शी जिनपिंग के उत्पटांग एम्बिशियस प्रोजेक्ट में नष्ट हुआ पड़ा है, वो ताइवान संभाले कि ईरान तुमको संभाले, तुमको उतना वो संभाल लेगा जितना तेल आ तुमसे लेने के लिए उसको जरूरत होगा, तो बिना एलाई बनाए युद्ध करें, ये इनमें किसी को पता ही नहीं, जो सो कॉल फिलिस्तीन था उसमें जिस हमास को इन्होंने खड़ा किया, तो इनमें इतना स्टेट क्राफ्ट नहीं था कि अगर 1200 को मारोगे गंदे तरीके से, क्रूर वैसी तरीके से, उसका वीडियो बना के तुम दुनिया भर में बांटोगे
तो विश्व जनमत तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा और इसराइल तो कूटेगा भाई, ठीक से कूटेगा। और गाजा की ठीक से कुटाई के बाद इसराइल एक साथ तो सब पर नहीं चढ़ बैठा कि गाजा पर भी चढ़ बैठा, हिजबुल्ला पर भी चढ़ बैठा, हूती, ईरान, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया सब पर चढ़ बैठा। नहीं भाई, इसराइल ने तो मिस्र से भी दोस्ती कर रखी है, सऊदी अरेबिया से भी दोस्ती कर रखी है, यूएई से भी दोस्ती कर रखी है। इनफैक्ट वो वहां के क्वाड का मेंबर है। ईरान से रक्षा के लिए इजराइल इन सब का थानेदार है, इन सब का गार्ड है। तो इनको इतना स्टेट क्राफ्ट भी नहीं आता। और इसका केवल एकमात्र कारण है, यहां स्टेट कभी था ही नहीं। जो पूरा यूरोपियन प्रोपोगंडा बेस्ड, जो एजेंडा बेस्ड जो प्रोपोगंडा है और लिटरेचर है, उसमें इस तथ्य को पूरी तरह गायब कर दिया। ये छोटे छोटे टुकड़ों में रहने वाले लोग थे। अगर इनको स्टेट क्राफ्ट आता तो जिस इज़राइल के का उपयोग पूरा वेस्ट कर रहा है, उसी इज़राइल का उपयोग तो ये भी कर सकते थे। अगर इनको यूरोप से लड़ना ही था, अमेरिका से लड़ना ही था, तो आज जैसे इज़राइल से इन्होंने दोस्ती कर लिया है, ये 70 साल पहले ही कर लेते। इज़राइल का झगड़ा तो यूरोप अमेरिका से था ना। यहूदियों को सबसे ज्यादा अत्याचार कहां सहना पड़ा है? यूरोप में और रूस में। तो तुम्हारा टूल इज़राइल बन जाता, लेकिन ये कब संभव होता? जब तुम में स्टेट क्राफ्ट होती। तुम में स्टेट क्राफ्ट होती तो यहूदियों को दोस्ती करके, यहूदियों को वहां शांति से बसा के, तुम और यहूदी मिलके अमेरिका से, यूरोप से अपना हिसाब कर लेते। लेकिन तुम इसलिए हिसाब नहीं किए क्योंकि तुम मतलब मिडिल ईस्टर्न आर्टिफिशियल नेशन स्टेट इस्लाम के टूल नहीं है, वेस्ट के टूल हैं। वेस्ट को इस पूरे एरिया में तेल की सप्लाई के लिए इन पर कंट्रोल चाहिए था। वो कंट्रोल उन्होंने इसराइल, जिससे यहूदियों से यूरोप में अपना काम करा लिया। अब तेल का मामला जैसे जैसे निपटता जाएगा, ये क्षेत्र डीरेडिकलाइज होता जाएगा। तो 48 मिनट हुआ है आदित्य जी, एक्चुअली वी कैन डू 5 मोर मिनट्स, रैप कर सकते हैं इसको 5 मिनट में, है ना? जी जी, आप कुछ कहेंगे? एक्चुअली मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। एक इसमें मेरा एक कमेंट आता है, जो आई विल ब्रिंग यू, कि लोग क्या बोलते हैं सड़क के ऊपर। बिकॉज़ यहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स आए हुए हैं इन सब देशों से, तो वी मीट एवरीबॉडी, वी मीट सीरियन, लेबनीज। अभी मेरा एक से बात हो रहा था, जो मेरे गायों के लिए चारा लेकर आता है वो लेबनन से है। तो मैं उसको पूछा कि तुम लोग अपने आप को क्या मानते हो? वो बोलता है कि भाई हम वहां के मूल निवासी है, हम ना मुसलमान है ना क्रिश्चियन है, हम लोग का धर्म अलग है जो ये सब फॉरेन के रिलीजन है, इसीलिए हम भाग के उधर आए हैं। तो पीपल हु हैव कम टू यूएस आर पीपल फ्रॉम दिस, जिनके जिनकी आइडेंटिटी पे लोग अटैक करते हैं। तो दोज आर द पीपल हु आर हियर, मोस्ट ऑफ देम। और जो लोग अपने को पर्शियन बोलते हैं, मुझे उनको, देखिए किसी भी ईरानी को पर्शियन नहीं बुलाना चाहिए अपने आप को। पर्शियन तो संस्कृत का शब्द है। पर्शियन जैसे ही बोलता है कि वो हिंदू बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं। लेकिन आर्यन भी वही शब्द है। ये तो ए को आई इंग्लैंड वालों ने करवाया। करेक्ट। जो ओरिजिनल नाम लिखा था वो स्पेलिंग था ए आर्याना। Yes. तो चूंकि जर्मनी का झंझट आ गया था और जर्मनी आर्यन लिख रहा था, आर्य आर्य कर रहा था,
तो एक को डंडा मार के आई करवाया गया है। करेक्ट 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 जी। एक्चुअली अभी वो डंडा, अभी मुझे ये डर है कि अभी यहाँ पे कैथोलिसिज्म फैल जाएगा और कैथोलिसिज्म को लाने की कोशिश कर रहा है वेस्ट ईरान में, और जैसे ही वो आएगा तो पूरा और भी डिवाइड होगा, फिर टुकड़ों में बांट देंगे वो लोग। वो तो उनका इतिहास है, यूरोप में जो 80 साल का यूरोपियन रिलीजन ऑफ वॉर हुआ, वॉर ऑफ रिलीजन, तो उसका इतिहास यही था, एवरीवन वाज अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, रोमन एम्परर फर्डिनेंड 3 उसी के विरुद्ध था सारा युद्ध। जी जी, कुछ ऐड करना था आप करिए, मेरे को क्वेश्चन नहीं है, आई एम जस्ट लिसनिंग। ठीक है, तो 50 मिनट हो गया, तो आज जो मैंने बात बताई उसको बताने के बाद अगले में कई चीजें लूंगी छोटी छोटी। पहली बात ये समझने की है कि जो परोसा जाता है वेस्ट के द्वारा, स्वाभाविक है वो वेस्ट के हितों को प्रमोट करेगा। जो लिख रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो अपने हितों के लिए लिख रहा है ना भाई। तो वेस्ट का एजेंडा बेस्ड जो प्रोपोगंडा है उसमें इनका जो वर्णन है वो 2 मिनट में हवा हो जाता है अगर हम केवल टोपोग्राफी और क्लाइमेट पर ध्यान दे दे, और हम ये ध्यान दे दे कि इस पूरे क्षेत्र में स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और स्कैटर्ड पॉपुलेशन के सहारे साम्राज्य तो नहीं बनते। ये साम्राज्य की कथा हवा में उड़ जाती है अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, कुल कितने आदमी थे, जैसे पैगंबर रसूल को लेके मारा मारा मारा, लाखों को मारा कि करोड़ों को मारा, पता नहीं कितने को मारा। तो मैंने एक दिन बैठ के गणित बैठाया कि भाई ये जो सऊदी अरेबिया, मैंने थोड़ा पढ़ा था मक्का मदीना तैफ, तो यहाँ कुल कितने वो है ओएसिस, नखलिस्तान, पानी कितना है, पानी तय करेगा साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है। मैं नहीं खोज पाई, अगर मुझे सुनने वाले खोज सके कि जिस हिस्से में पैगंबर मोहम्मद ऑपरेट कर रहे थे उस हिस्से में पानी के ओएसिस तब भी जो होंगे वही अभी होंगे, तो वो कितने ओएसिस हैं, उस पर एक बड़े आराम से गणित किया जा सकता है, उतने पानी पर कितना मनुष्य, कितना ऊंट, कितना भेड़ और कितना बकरी जिंदा रह सकता है। क्योंकि एक वर्णन आता है कि पैगंबर रसूल को 2.5 लीटर पानी रोज मिलता था, तो वो पैगंबर थे तो बाकी के हिस्से 1-1.5 लीटर पानी था। तो मैंने हिसाब बैठाया कि 50,000 लोग रहे होंगे, तो एक जानकार थे उनसे बात किया तो बोले नहीं, पहले मैंने 1 लाख कहा, बोले नहीं, तो हमने कहा 50,000, तो बोले नहीं, तो मैं चुप हो गई कि 25,000 पर इनका जी दुख जाएगा, क्योंकि ये तलवार से इस्लाम घोड़े पर चढ़ के दौड़ रहा है, बड़ा गाना गाए हैं। फिर मुझे रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने बताया कि सबसे बड़ी लड़ाई जो पैगंबर ने लड़ी है वो 1200 की बताते हैं, बदर की लड़ाई, जिसमें वर्णन में, नरेटिव में, डिस्क्रिप्शन में अल्लाह ताला जिन्नों को भेजते हैं लड़ने के, भूत प्रेतों को, जिन्न लोगों को लड़ने भेजते हैं। यानी जिन्न लड़ने की बात हम लोगों को लगेगी कि साहब हाइपरबोलिक है, गप है, तो 1200 आदमी हाइपरबोलिक संख्या है, तो मैं कहूंगी 120 लोग लड़े होंगे, 150 लोग लड़े होंगे, या 1200 भी लड़ लिए होंगे। तो पैगंबर की सबसे बड़ी फौज, 1200 कोई फौज होती है क्या? एक भी वर्णन कुरान में है क्या कि फौज कहाँ रहती थी, फौज का मैनेजमेंट क्या था, उसकी सैलरी क्या थी, कुल क्या है, लूटो मारो छीनो और उसमें माल गनीमा बांट लो। छीनते लूटते क्या थे वो पढ़िएगा, मैं आज बिल्कुल मेरा बोल नहीं वो डिटेल बता देगा। तो ये जो एम्पायर की जो झूठी कथा यूरोप में रची है, नरेटिव गैर जानकार को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जिसको कुछ करना है उसको तो नैरेटिव से कोई मदद नहीं मिल सकती। अगर आज इस क्षेत्र को एक पावरफुल क्षेत्र बनना है तो झूठे नैरेटिव से तो कुछ नहीं होगा ना भाई,
क्योंकि रेगिस्तान आज भी है, पहाड़ आज भी है, नदियां नहीं है, पानी नहीं है, गर्मी भीषण है, इनके एथनिसिटी की, ट्राइबल की, ट्राइब्स की और फिरका परस्ती की जो झगड़े हैं वो है भाई। तुम्हारे कह देने से उम्मा है, सुन्ना है, ये सब एक है। नरेटिव डजंट हेल्प। तो दो बात मैंने ये बताई, एक ज्योग्राफी पर ध्यान दे, दूसरा फॉल्स नरेटिव 20वीं शताब्दी में वेस्ट के द्वारा गढ़ा गया और ये जो इतने इस्लामिक नेशन स्टेट है ये आर्टिफिशियल है, आर्बिट्रेरी है, इलीगल है और क्षण भंगुर है, ये टिकने वाले नहीं है। सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि टिकने के लिए जो आधार चाहिए वो आधार तो मिसिंग है। कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 5 करोड़, कहीं 3 करोड़। ये इस आकार के स्टेट को तो कोई भी घप से ले लेगा। इस क्षेत्र से, नेशन स्टेट से तेल बाहर कर दीजिए आप, ऑयल का वेल्थ बाहर कर दीजिए, यानी 20वीं शताब्दी में जो हुआ वो बाहर कर दीजिए, तो जो 20वीं शताब्दी तक की सच्चाई थी उस सच्चाई का वास्तविक वर्णन तो कहीं है ही नहीं। तो हम लोगों को अपना नरेटिव तो खुद ही लिखना पड़ेगा ना। तो अपने सुनने वालों से मैं निवेदन करूंगी कि जो इस क्षेत्र में रहते हो, जानते हो, करते हो, वो इस क्षेत्र की वास्तविकताओं के आधार पर अपना लेखन करें। यूरोप या वेस्ट का नरेशन उनके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के काम का है, असली लड़ाई के काम का है। पिछले 70-80 साल में इस इस्लामिक क्षेत्र की कोई भी फौज किसी दूसरे फौज से लड़ने नहीं गई। तो अगर तुम्हारा मारकाट और मिलिट्री और एम्पायर का इतिहास होता तो तुम 80 साल तक इतनी दुर्दशा सहते। बस आज इतना। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड दर्शकों को बोलूंगा, आप तो बोलते ही हैं कि आप सुनते ही रह सकते हैं, मैं बोलता हूँ पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, तो दैट इज बेटर। क्योंकि जैसे हम लोग, मैं बताता हूँ कि सुनता माँ, हम लोग 6-6 घंटे क्लास सुनते थे भागवत पुराण पे। अच्छा। तब जाके वो पकड़ आती है, 10 साल 20 साल तब समझ में आता है। और इसी तरह इतिहास भी ऐसे ही है, लिखे, अपने नोट्स बनाए, फिर अपने नोट्स पढ़े, That is the best way to learn. तो वो दिमाग में वो बैठ जाता। जब ट्विन टावर पर वो जहाज टकरा के टूटा था, तब दोबारा मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। मैं कह सकती हूँ 3-4 साल में मैंने 100 पुस्तकें पढ़ी हो। Look at that. तब काटते छाटते ये चीजें ध्यान में आती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जब तक अपनी भाषा में नहीं लिखेंगे ना अपने पेन से, लोग भूल गए, टाइप नहीं करिए, पेन लिखिए। मैं तो अभी भी पुराने तरह के पेन यूज करता हूँ, वो निब वाले। अच्छा। हाँ, मेरे पेन ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ये निब वाले पेन है, ये देखें जी, है ना, कि उससे राइटिंग भी ठीक रहती है और एक लगता है कि आप कलम से लिख रहे हैं, थोड़ा सा इंक से लिखा जा रहा है जी। और सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सत्यालजी एजुकेशनल चैनल है, तो हम लोग ज्यादा बड़केली सनसनीखेज बातें डिस्कस नहीं करते हैं, पर थोड़ा सा हम लोग टेस्ट लेकर आते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टुडे सनसनीखेज बातें। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर जॉइनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को बताइए चैनल के बारे में, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल वापस ग्रो की स्थिति में आ चुका है, तो सब्सक्राइब करते रहिए, 2.5 लाख से 2 मिलियन तक पहुंचाइए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस पर खूब लिखिए, मैं सब आप लोग को पढ़ती हूँ, जवाब देना नहीं आता है, कोई सिखा देगा तो जवाब भी देना शुरू करूंगी, अभी नहीं आता है मुझे, और मैं एक एक लेटर उस तरह टाइप नहीं कर पाती हूँ जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय जगन्नाथ।